सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माई हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास भिंडी है, कॉर्न्स हैं, चिलीज़ हैं, बैंगन भी है और कुछ हर्ब्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। रिक्वेस्ट छोटी सी यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अपने विचार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स शिफ्ट किए हैं। यहाँ पर ये सिंजेजियम और ये प्लांट है मौसमी का, तो इसे मैं बरसात के सीज़न में लेके आई थी। इसमें तब फ्लावरिंग भी थी, बट ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट करने के बाद इसके फ्लावर्स गिर गए थे। अब इसने न्यू शूट्स निकाली हैं, लेट्स सी कभी इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और इसके जो लीव्स हैं टॉप पे ऑरेंज हो जाती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैंने एक्चुअली फुल सन में रहता है तब ये इसकी पत्तियाँ ज़्यादा ऑरेंज रहती हैं, बट आपको ये ग्रीन ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इसको दूसरी तरफ से यहाँ पे शिफ्ट किया है। वहाँ पे उसको इतनी सनलाइट नहीं लग रही थी। तो चलिए मेन मुद्दा जो हमारा है आज का, हार्वेस्टिंग, हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले भिंडी आपको दिख रही है यहाँ पर। ये पौधे हमने जो ट्रांसप्लांट किए थे वही हैं। ये तो ठीक चल गए, इसमें तो भिंडी भी लगती रही, बट शिमला मिर्च और एक पौधा तो मुझे निकालना ही पड़ा, वो ख़राब हो गया। और ये भी मुझे लगता है कि शायद मुझे निकालना ही पड़ जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम भिंडी यहाँ से देख ले लेते हैं। देखो ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं यहाँ पे भिंडियाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ऊपर की तरफ तो ये बढ़ी रही थी, अब नीचे की तरफ भी इसमें काफ़ी शूट्स आई हैं और इसमें काफ़ी अच्छी अब भिंडी लग रही है। यहाँ रखते हैं हम इसे ऊपर में, देखो आप कितनी सारी है। अभी इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है, तो अभी और भिंडी भी लगती जा रही है, तो इसलिए मैं अभी इन पौधों को नहीं निकालूंगी। और अब जाके इसमें अच्छी भिंडी आ रही है, और यहाँ पे मुझे एक तो मिली वक्त भी दिखाई देगी यहाँ पे, देखो। और ये तो गलत काम हो गया, इसको फटाफट से इनको डील करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत परेशान रही थी इनसे पिछले दिनों, आपको याद होगा, जब बहुत सारी मिली बग्स थी यहाँ पे सीज़न के स्टार्टिंग में, इनफैक्ट गर्मियों के स्टार्टिंग में ही। तो अब भी वही, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो एकदम से ये बरसात में थोड़ी कम रही, इधर उधर वो डोरमेंसी में चली गई होंगी, बट अब फिर जैसे जैसे सीज़न बढ़ रहा है तो अब ये नज़र आ रही हैं। और ये भिंडी के पौधे मेरी हाइट से भी ऊपर चले गए, 6-6 फुट के हो गए हैं ये। आज काफ़ी सारी भिंडी है हमारे पास, इस तरफ भी देखो आप। इस वाले पौधे में बहुत सारी चिलीज़ हैं, वो निकालने वाली हूँ। ये अपशूट वाली चिलीज़ है हमारी, दूर से भी शायद दिख रही होंगी आपको, तो अभी इनको हम निकालते हैं। पहले हम मिट्टी ले लेते हैं। भिंडी मिर्च के लिए थोड़ा कॉर्नर में जाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ रखते हैं हम इसको। ये देखो कितनी सारी चिलीज़ इसमें दिख रही होंगी आपको, ये देख रहे हो आप, देखो पूरा प्लांट जो है चिलीज से भरा हुआ है, सी। तो एक एक करके निकालते हैं हम इसको। और ये मैंने ग्रो बैग ऊपर तो रख दिया था, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको नीचे ही निकालूँ, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो ये एकदम इधर उधर को बेंड होता है ये, तो इसलिए। जो बड़ी हो गई हैं चिलीज उन्हीं को निकालते हैं हम, ज़्यादा छोटी वाली नहीं निकालेंगे।
तो ये चिलीज़ हमने यहाँ से निकाली और छोटी वाली मैंने अभी नहीं निकाली है, उनको रहने देते हैं, बाकी दूसरी साइड चलते हैं और वहाँ से फिर हम और चिलीज़ निकालेंगे जो कि ये हैं पौधे। इनको मैंने शिफ्ट किया, आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैं वहाँ से लेके आई हूँ इनको, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखो सो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। देखो मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है यहाँ पे, एकदम अभी भी मैं बिल्कुल धूप में यहाँ पे हार्वेस्टिंग का वीडियो शूट कर रही हूँ, और मतलब ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और यह है कि एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चैनल ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है मतलब देख के ना कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी अप्रिसिएशन दिखाएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और मोटिवेशन एक जो जिसकी ज़रूरत होती है ना कभी कभी, तो वो इनफैक्ट जिसकी ज़रूरत कभी कभी तो क्या हमेशा ही होती है, बट स्टिल ये होता है कि कभी कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो वाली बात है। कुछ एक्चुअली रेड भी हो गई इसमें, देखो एक्चुअली मुरझा गए पौधे, क्योंकि वही मैंने आपको बताया था कि गर्मी तेज़ है यहाँ पे अभी, और शाम को पानी डालना पड़ रहा है, शाम को मैंने नहीं डाला तो अभी डाला है जस्ट आके, तो इसलिए ये आपको मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। बट वाटरिंग वैसे भी हमें थोड़ा कम करनी चाहिए जब हमारे प्लांट्स चिली के हैं तो वो फ्लावरिंग पे हो, तो उससे क्या होता है नहीं तो कि आपके फ्लावर्स जो है वो जड़ जाते हैं। यहाँ इस तरफ भी हैं चिलीज, ये वाला प्लांट भी ओवर वाटरिंग से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी हम चिलीज देख लेते हैं, इस प्लांट को भी मैं हटा दूँगी, देखो बहुत सारी चिलीज लग रही हैं इसमें भी। ये हो गई सारी चिलीज, चलिए अब कॉर्न्स हार्वेस्ट करते हैं। सारी कॉर्न्स आज मैं निकालने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये खुद ही झड़ने वाली कगार पे आई है, जो दाने बन गए होंगे तो अलग बात है, बट अगर नहीं बने होंगे तो फिर वो बेबी कॉर्न्स यूज़ होंगे। हमारा पर्पज़ तो बेबी कॉर्न्स का ही था, बट अब अननेसेसरी वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। और लेके आते हैं, यहाँ पे आप देखो ये सारी मैं निकाल देने वाली हूँ, क्योंकि ये फिर इसमें बर्ड्स लगेंगी, चींटियाँ लगेंगी, फिर ये ख़राब ही हो जाएंगी। कितनी सारी एक एक जगह से ही निकल रही है, कम से कम 10-10। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी तो इसमें और कॉर्न्स निकल आएंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट अब मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर हमको खाली करना है, इस तरफ से भी पूरा बंच है कॉर्न्स का, यहाँ पर भी है, यहाँ से मैंने निकाल लिया, और भी नीचे से आ रही हैं, ऐसे ही ना आती रहती हैं यहाँ से। सो
इसके बाद यहाँ पर हमारे पास चाइनीज़ ऑरेंज है हार्वेस्ट करने के लिए, इसको हम एज अ लेमन यूज़ करते हैं। और एसेंस आपको चाहिए हो तो ऑरेंज एसेंस वो आप यूज़ कर सकते हो। दो ही इसमें से राइप हो रहे थे तो मैंने भी हार्वेस्ट कर लिया, बट अभी बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं, देखो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे। इस पॉट में भी इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो हो सकता है मैं इसका पॉट चेंज करूँ। कड़ी पत्ता हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये सीड से लगाया हुआ प्लांट है हमारा, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ होगी इसकी अब। और वैसे सर्दियों में तो डॉर्मेंसी में ही चला जाएगा, तो आपकी भी जितनी लीव्स पड़ी हों कड़ी पत्ते की आप निकाल के इनको ड्राई करके और इनका पाउडर बना के रख सकते हो। एक तोरी है यहाँ पे हमारी छोटी सी, एक ऊपर की तरफ भी लग रही है बट वो तोड़ने लायक तो अभी नहीं है। और बैंगन है यहाँ पर, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े भी हो गए हैं, थोड़े दिन पहले भी हमने हार्वेस्ट की थी। ये स्पाइडर माइट से बचते हुए फिर भी प्लांट्स अच्छा कर रहे हैं, इस बात की खुशी है मेरे को। यहाँ पे है एक, ये देखो खराब भी हो रहे हैं। कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पे, वो भी हार्वेस्ट कर लेते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें। यहाँ पर हमारे पास हिबिस्कस, उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही प्यारी सी पिंका, वैसे भी इन्होंने ख़राब ही हो जाना होता है। यहाँ से कुछ रेड वाले भी, देन कुछ सनफ्लावर ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की पूरी हार्वेस्ट। जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर भिंडी हमें मिली, देन हमारे पास कुछ फ्लावर्स मिले जिसमें कि सनफ्लावर्स हैं और हिबिस्कस है, और दो तरह की हमारे पास विंका है, पिंक एंड वाइट और ये डार्क पिंक में। दो हमारे पास चाइनीज़ ऑरेंज भी मिले यहाँ पर, बैंगन मिले, एक छोटी सी तोरी भी मिल गई। देन हमारे पास यहाँ पर करी पत्ता है, मिंट मैंने हार्वेस्ट नहीं की क्योंकि वो भी बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ कुछ लीव्स तो हार्वेस्ट कर सकते थे, बट स्टिल आई थॉट कि चले उसको भी रहने देते हैं। हमने काफ़ी सारी चिलीज हार्वेस्ट कर ली, एंड देन ये सारी हमारे पास कॉर्नस निकली हैं दो तीन पौधों से, जो मैंने आपको दिखाया था कि दो तीन प्लांट्स जो थे कॉर्न के मैंने सारे ही खाली कर दिए। और इसमें अगर हम गिने कितनी सारी हमारे पास यहाँ पर कॉर्नस आई हैं, बेबी कॉर्नस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. तो 29 के आसपास ये हमें कॉर्नस मिली हैं। कुछ एक में सीड्स भी बन गए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, देखो कुछ में सीड्स भी बन गए हैं। थोड़ा और टाइम रुक सकती थी तो अच्छे सीड्स तैयार हो जाते, बट इतनी छोटी सी है कि इसके सीड तैयार करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने यही कोशिश में ये सारी निकाल ली। काफ़ी सब में सीड्स बन रहे हैं, तो अभी आप देखोगे कि इसमें और भी हैं जिसमें सीड्स बन रहे हैं। ये है जिसमें सीड्स बने, ये देखो ये छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ पे भी सीड्स बन गए। बट मेरा पर्पज़ ये है कि निकालने का कि हम बेबी कॉर्नस इसको यूज़ कर लें और स्पेस मुझे खाली करनी है बेसिकली। और अभी आप ये देखोगे कि अगर हमें सीड्स चाहिए तो इनको थोड़ा दिन और रहने देना चाहिए था, इनकी जो सिल्क है वो अभी प्रॉपरली ब्राउन नहीं हुई है, तो अभी क्लाउड्स से एकदम से धूप आ गई। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये हार्वेस्ट का वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।